एसआरएफ पे क्या राय है? रितेश तिवारी ने खरीद रखे हैं 2490 पे 50 शेयर। देखिए, एसआरएफ तो बहुत ही हाई बीटा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत हाई बीटा हाई रिस्क खेल खेल लेते हैं। यहाँ तो मेरी राय रहेगी कि भाई देखिए, अब आप इसको ये चार्ट एक क्लासिकल चार्ट है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरह के चार्ट रेगुलरली दिखाता रहता हूँ कि इस चार्ट में खाली बने रहने से कोई फायदा नहीं था। अगर आपने इसको खाली 2022 से ट्रेड कर लिया होता तो तकरीबन 2700 से लेके नीचे में 2100 तक 600 पॉइंट की एक रेंज जो बनी है उसमें 11-12 मूव कर चुका है। तो अगर आप खाली बुलिश 5 मूव खेल लेते तो 600 × 5 3000 रुपए आपके ट्रेडिंग में बन जाते। आप बेरिश अगर 4 मूव नीचे के खेल लेते तो 600 × 5 4 2400 आपके ट्रेडिंग में शॉर्ट साइड में बन जाते। टोटल मिला ले तो तकरीबन 5400 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, लेकिन वीवा फ्लैट है। नेट मूवमेंट अगर आप इसको 2022 से लेके रखे हैं तो 2500 का 2500 ही है, बट उसके बीच में 5400 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। देखिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा एक्साइटिंग ट्रेडिंग जब होती है तो 2 टाइम्स आप ट्रेड कर लेते हैं इसको खाली बने रहने के बिना। तो जो लोग बोलते हैं ना चलिए, लेके बैठे रहिए, उनके लिए प्रॉपर एक केस स्टडी है कि लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा लेते बेचते रहना पड़ता है और आप शायद कॉस्ट से भी डबल कमा लें। 2400 का स्टॉक 5000 पॉइंट का मूवमेंट मतलब मैजिक है। तो करिए, ट्रेड करिए इसको। 2700 के ऊपर जाता नहीं है, 2100 में बार बार मिलता है। जब तक 2700 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमेशा 2700 पे बेचना है और 2100 में लेना है, यही इसमें कॉल है। फिलहाल बीचों बीच चल रहा है तो कुछ मत करिए। जी 2100 में लेना है, 2700 में बेचना है, बीच में चल रहा है इसलिए कुछ नहीं करना है। जी 3 साल से यही चल रहा है, 2.5-3 साल से यही चल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।